देख रहे हैं सच दर्शन। पुलिस की गिरफ्त में यह आरोपी विनोद, जिसने बीते मंगलवार अपनी पत्नी की हत्या के सनसनीखेज वारदात को त्यागराज स्टेडियम के सामने सरेआम अंजाम दिया, जिसे कोटला मुबारकपुर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब पुलिस के मुताबिक विनोद मृतक महिला संतोषी का दूसरा पति है और अपनी पत्नी के किसी और के साथ संबंध होने के शक में विनोद ने संतोषी पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वहीं मृतक महिला संतोषी 5 बच्चों की माँ थी और कोटला मुबारकपुर के प्रेम गली में रहती थी, जहाँ बीते मंगलवार शाम संतोषी अपनी छोटी बेटी के साथ पैदल घर लौट रही थी। यह त्यागराज स्टेडियम के गेट नंबर 1 के सामने किसी ने संतोषी के पीछे से चाकू से हमला कर दिया, जब संतोषी के शरीर पर चाकू से 5 से ज्यादा वार किया गया, जिसके बाद संतोषी की चीखें सुनकर स्टेडियम के गार्ड मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस महिला को एम्स हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टरों ने संतोषी को मृत घोषित कर दिया। ये कल शाम को कोई 7:15 बजे के करीब एक PCR कॉल आया था, जिसमें पता लगा कि वहाँ त्यागराज स्टेडियम के गेट के पास किसी लेडी को चाकू मार दिया है। जब हम मौके पर पहुंचे तो एक ये लेडी, जो बाद में जिसको आइडेंटिफाई हुआ संतोष, कोई 42 से 43 साल की उम्र थी, यहीं कोटला थाने के इलाके में रहती थी, वो इंजर्ड हालत में मिली और उसको हॉस्पिटल जब ले जाएगा तो उसको शी वाज डिक्लेयर्ड गॉड डेड। तफ्तीश करते करते वहाँ पे जो गार्ड्स थे गेट नंबर 1 पे, जो गार्ड्स बैठे थे त्यागराज स्टेडियम के, जब उनसे पूछताछ हुआ तो उन्होंने हुलिया बताया कि ऐसे ऐसे इस हुलिया एक आदमी था जिसने चाकू मारा था, कुछ और बच्चे भी वहाँ से खेलते हुए आ रहे थे, तो उनसे भी जब पूछताछ की तो दोनों का हुलिया मैच कर गया कि भाई इस तरह की बॉडी बनावट उसका था। वो करके उसको जब आगे तफ्तीश करते हुए हम जब आगे पहुंचे तो फिर हमारा एक किसी आदमी पे शक था वो पूरा हो गया, हाँ भाई ये आदमी इन्वॉल्व हो सकता है। जब इसके जो अक्यूज इसमें जो इसमें बाद में जो विनोद सन ऑफ हजारीलाल जो इसमें अरेस्ट किया है, उसके जब हम घर पहुंचे तो घर पे नहीं मिला और उसका फर्दर तफ्तीश करते हुए कंफर्म हो गया कि इसी ने मारा है, चूंकि ये इसी के साथ रह रही थी। और जब इसको रात को हमने जब रेड करके मुंडका इलाके से पकड़ा, फिर इसने बताया कि इनका ये दोनों साथ रहते थे, किसी बात पर झगड़ा हुआ जिससे बहुत ज़्यादा एनरेज्ड हो गया, उसके बाद इसने इसको चाकू मार दिया, 5 चाकू मारे जिसपे काफी इंजर्ड थी और हॉस्पिटल में जब इसको ले जाएगा तो डेड निकली थी। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट, सच दर्शन। पुलिस